नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एम एस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों में सबसे खास खबर BRS कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ लेकर के मैं आया हूँ कि BRS के जो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने BRS 2019 के तहत BRS लिया है, उनका जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट और एक तरह से आप कह सकते हो कि जो आखिरी भुगतान है वो अब जल्द ही होने वाला है। यानी कि BSNL के द्वारा और MTNL के द्वारा कंप्लीट जो सेटलमेंट का डाटा था वो तैयार कर लिया गया है और अब एक दो दिन में DOT को भेज दिया जाएगा, जिससे कि लगभग 15 तारीख तक आपका कंप्लीट भुगतान हो जाएगा। वहीं अगस्त मंथ की सैलरी फिर से एक बार डिले हो गई है और डायरेक्टर फाइनेंस के द्वारा ये अपडेट दी गई है कि सैलरी फिर से एक बार डिले की गई है। उसका मेन कारण है आपके मेडिकल रीइंबर्समेंट यानी मेडिकल क्लेम का, मार्च तक के मेडिकल क्लेम का भुगतान करना। और धीरे धीरे BSNL सभी जितने भी पिछला बकाया है उसका भुगतान कर रही है। यही कारण है कि सैलरी अब कुछ दिनों तक और डिले रह सकती है। लेकिन अगर 8400 करोड़ रुपए का अगर इनका जो पैसा मिलने वाला है BSNL को, अगर वो जल्दी मिल जाता है तो हो सकता है कि आपकी सैलरी अगले 3-4 महीनों के लिए रेगुलर हो जाए। वहीं कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का पेमेंट तो अभी तक नहीं किया गया, हालांकि सिर्फ आश्वासन दिया गया था। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि BSNL के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स थे, जिनमें से लगभग 30,000 को पहले से ही निकाला जा चुका है और अब 20,000 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को फिर से बाहर निकालने की बात कही जा रही थी और ऐसा यूनियंस के द्वारा अपडेट दी गई थी। वहीं थर्ड PRC और BSNL 4G को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार थर्ड PRC की तो जब तक BSNL फायदे में नहीं आ जाता है तब तक यूनियंस की द्वारा दी हुई अपडेट पर विचार करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी सच्चाई है उसमें और कब तक थर्ड PRC आ सकती है। इस पर बिल्कुल भी आप बिलीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि BSNL फायदे में नहीं आ जाता है, क्योंकि जब तक BSNL की सैलरी रेगुलर हो जाती है और BSNL 4G मिल जाता है उसी के बाद में थर्ड PRC पर विचार कर सकते हैं। हालांकि BSNL 4G को लेकर के टेक महिंद्रा ने ये कहा है कि हाल ही में उन्होंने ITI और टेक महिंद्रा दोनों मिलकर के BSNL 4G की तैयारी कर रही हैं और उन्होंने ITI के साथ में ITI लिमिटेड कंपनी के साथ में साझा किया है। साथ ही वो एक जापानी कंपनी के साथ में मिलकर के और ऑल इंडिया लेवल पर कैपेबल है BSNL 4G और 5G का रोड मैप तैयार करने के लिए, तो वो जल्दी ही इसके टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी। और BSNL से रिलेटेड सभी खबरों को डिटेल में अगर आपको जानना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के तो वीडियो के नीचे दिए हुए एडवर्टाइजमेंट के लिंक को चेक करने के लिए नीचे वीडियो के नीचे दिए हुए इस तरह के बटन पर प्रेस करें और यहाँ पर आपको एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इनको प्रेस करके। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और जीरो इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, जैसे ही आप कमेंट बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के और आप इसको वीडियो को देख सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS को। धन्यवाद।